हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो प्रारंभ करने के से पहले दो लाइनें आपके लिए। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। इन दो लाइनों के साथ आज की हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम क्लास 10th NCERT और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जो इसका पहला प्रश्न है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। स्टूडेंट बोलते हैं, सर आप एक एक प्रश्न ही क्यों बनाते हो? सर उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि मोबाइल की जो स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी लो है, तो एक प्रश्न दो प्रश्न ही एक वीडियो कवर कर पाते हैं। धीरे धीरे इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलो आज हम इसका पहला प्रश्न हम कर चुके हैं और इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और 1.1 की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दो की। तो प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपन को? सबसे पहले हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों मिलने के बाद इसकी जांच कीजिए, फिर उनको जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं जो संख्या दी हुई है इन दोनों का गुणा, और जो HCF निकल के आएगा और LCM निकल के आएगा, इन दोनों का गुणा बराबर है या नहीं है। चलो बुक को रखते हैं हम साइड में और प्रारंभ करते हैं हम पहला प्रश्न। प्रश्न पहला हमें निकालना है 26 और 91, 91 का हमको क्या क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। तो देखो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल तरीके से हम समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं, और मैं एक ही विधि से दोनों चीजें आपको दिखा दूंगा यहां पर। तो पहले यहां लिखते हैं 26, यहां लिखते हैं 91। पहले हम 26 का निकालते हैं, सबसे पहले दो का भाग देंगे, ये जाएगा आपका 13 बार, ठीक है। अब 13 में से 13 का ये भाग जाएगा एक बार, ये 91 का निकालते हैं। अब 91 में दो का भाग जाएगा नहीं, हमने भाजकता के नियम पिछली वीडियो में पढ़े हैं, तो भाजकता के नियम आपको आते होंगे, तो आप इजीली और आसानी से भाग दे पाओगे और जांच कर पाओगे कि किस संख्या में किसका भाग जा रहा है। तो पिछली वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो 91 दो का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, सीधा 13 का भाग जाएगा, वो भी 7 बार जाएगा। यहाँ हम पहले 7 का भाग दे सकते हैं, 7 का भाग एक बार गया, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम 26 का निकल क्या है, 2 × 13, ठीक है। और 91 का क्या निकल क्या है? 13 × 7। क्या निकालेंगे अपन? HCF निकालेंगे। तो HCF में होता क्या है? जो संख्या मिल रही होती है सिर्फ उसी को ही लेते हैं। तो सिंपल सा क्या हो गया? HCF क्या आ गया इसका? 13, क्योंकि सिर्फ इस गुणनखंड में सिर्फ 13 ही मैच कर रहा है, तो 13 आ गया। अब बात करेंगे LCM की, तो 26 91 निकल के सेम वही आएगा, 2 × 13 और 13 × 7। LCM में क्या होता है? जो मिल रहा होता है उसे तो लेते ही लेते हैं, तो ले लो 13 × जो नहीं मिल रहा है उसे भी ले लेते हैं। तो 13 × 2 × 7 करेंगे अपन, तो इनको गुणा करने पर आएगा आपका 182, सॉरी मार्कर 182 आएगा, ठीक है। हमने HCF किया तो कितना आया? 13। LCM निकाला तो कितना आया? 182, ठीक है। अब HCF में क्या होता है, LCM में क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। HCF में जो मिलता है उसी को लेते हैं, LCM में जो मिल रहा है उसको तो लेते ही लेते हैं, जो नहीं मिल रहा उसको भी ले लेते हैं, और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आया? 182 यहाँ पर आ चुका है। अब
HCF आ गया और आपका LCMB आ गया। अब करना क्या है, अब जांच करनी है, ठीक है। तो हम जांच कर लेते हैं इसकी। जांच के लिए क्या करना है, देखो आपको ये हम जांच कर लेते हैं। जांच के लिए आपको करना है पहली संख्या, फर्स्ट संख्या को मल्टीप्लाई करना है सेकंड संख्या के साथ, ठीक है। तो पहली संख्या क्या थी आपकी, 26 गुना दूसरी संख्या क्या आपकी, 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वह साथ साथ में जो प्रश्न में दिया गया था कि एच सी एफ को मल्टीप्लाई करना है एल सी एम के साथ, ठीक है। तो एच सी एफ क्या है आपका, 13 मल्टीप्लाई, एल सी एम कितना है आपका, 182। दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर चेक करो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर समान आना चाहिए। यदि आपका आंसर समान नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर की है। तो 26 गुना हम जब 91 करेंगे, 26 गुना 91 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2366, 2366। और 13 गुना 182 करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा, 2366। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई कर ली है, ठीक है, जिससे समय की बचत हो सके अपने पास। तो मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा कि दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, अर्थात दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं तो अपना ये प्रश्न सही है। यदि बराबर नहीं आ रहे होते तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो आसानी से हमने पहला प्रश्न हल कर लिया। प्रश्न नंबर दूसरा है 510 और 92, ठीक है। तो सेम वैसे ही करेंगे, पहले हम 510 को लिख लेते हैं, इधर 510 का निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर भाग देते हैं 2 का, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा। अब आगे चलते हैं 3 का देके देखते हैं। 3 की भाजकता कहती है अंकों को आपस में जोड़ो, 5 और 5 = 10 हो तो 12, 12 3 के पाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 का भाग इसमें जाएगा। तो 3 का भाग इसमें जाएगा 85 टाइम जाएगा, ठीक है। अब इसमें अंकों को जोड़ो, 8 और 5 = 13, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली 5 का जाएगा। 5 का देंगे तो 17 बार जाएगा, 17 × 5 = 85, और 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा। ये हो गया। अब निकाल लेते हैं हम 92 का भी, 92 का निकालते हैं। तो 92 में सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं वही, तो ये जाएगा आपका 46 बार। फिर 46 में देंगे 2 का भाग तो 23 बार जाएगा, 23 में 2 का जाएगा ही नहीं, अब हम 23 में 23 का ही भाग जाएगा, वो भी 1 टाइम। तो देखो निकाल लिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं एच सी एफ की, 510 और 92। तो 510 के आए थे 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के आए थे 2 × 2 × 23। तो मैंने आपको पहले ही कहा एच सी एफ में उन्हीं को लिखते हैं जो दोनों में मैच कर रहे होते हैं। तो क्या क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है और इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका एच सी एफ क्या आएगा, बराबर 2 आएगा। अब बात करते हैं एल सी एम की, 510 और वही 92 का निकालेंगे। तो 510 के क्या थे, 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 2 × 23। इसमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 ही मिल रहा है। तो 2 तो लेंगे लेंगे, उसके बाद जो बच रहे हैं सबको ले लेंगे। 2 ये इन दोनों में से 1 2 आ गया, ये 2 आ गया, × 3 × 5 × 17 × 23, सब ले लिए मैंने। देखो 3 ये रहा, ये 2 ये रहा, ये 3 ये रहा, 5 ये रहा, 17 ये रहा, और ये 23 ये रहा, सारे हमने ले लिए।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो मल्टीप्लाई करने पर इनका आंसर आएगा आपका 23,460, 23,460 इनको गुणा करने पर आंसर आएगा। अब क्या करना है, अब जांच करनी है, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं, तो जांच करने के लिए क्या चाहिए, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे एक बार, तो हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 510 गुना 92, तो 510 को 92 से गुणा करेंगे, और हम यहां पर लिख लेते हैं पहले HCF तो आया अपना 2 और LCM आया है अपना 23,460, बाकी मैं कर देता हूं इरेज, इनको मल्टीप्लाई किया बराबर HCF गुना LCM, तो HCF कितना है 2, LCM कितना है 23,460 जी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 92 था, अब मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 12 60 था ये, 2 × 0 तो 0 ही आएगा, तो ये 2 आ जाएगा इधर, 2 × 12 2 × 8 = 9 2 × 3 = 6 2 × 1 = 4 तो 46, 920 आएगा। अब इसका भी यही आंसर आना चाहिए, तो मजे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इसका आंसर भी यही आएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, यदि बराबर नहीं होते तो हमारी कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती, पर दोनों बराबर हैं कि इसका पार्ट टू भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं, 336 और 54, तो पहले हम 336 का निकाल लेते हैं, तो 2 का जाएगा ही, पहले ये जाएगा 168 टाइम जाएगा, फिर 2 का देंगे इसमें 2 × 16 2 × 8 84 टाइम जाएगा, फिर 2 का 2 × 8 2 × 4 2 × 21 बार गया, अब 2 का नहीं जाएगा, किसका 3 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार। इसी प्रकार हम 54 का भी निकाल लेते हैं, थोड़ा पास पास लिख रहा हूँ, स्पेस की समस्या है, जल्दी फिल हो जाता है इस चक्कर में, है ना। तो समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को आप एक दो बार वापस रिवाइज करके देख सकते हैं, कोई चीज़ हो सकता है एक बार समझ में ना आए, पर दोबारा हम वीडियो को रिपीट करते हैं तो समझ में आसानी से आ जाती है, तो देख सकते हैं, क्योंकि आप अधिक क्लास लेते हैं, आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही होती है, उसमें टीचर से पूछते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, पूछा टीचर ने, बताया नहीं बताया, ठीक है, वापस टीचर कई बार समझाते भी नहीं है, बट यहाँ आपको पूरा फायदा है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बार बार पीछे हट के वापस रिपीट कर करके वीडियो को देख सकते हैं और प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। 54 27 पर जाएगा, 3 का जाएगा, 3 × 9 = 27 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3 ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं अपन, 336 का क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 × 3 × 7 ठीक है। 54 का 2 × 3 × 3 × 3 2 × 3 × 3 ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी HCF की, HCF की, और क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है इसमें, एक बस 2 ही अंक मैच कर रहे हैं इसके अंदर, 2 और 3, तो क्या HCF होगा इसका, HCF बराबर 2 × 3 = 6 तो क्या HCF आ गया पर 6 आ गया। अब बात करते हैं LCM की, तो 336 और 54 का LCM निकाल लेते हैं,
दो गुना, ठीक है, लिख लिया वो पहले जैसे ही, इसी को मैंने कॉपी कर दिया। इसमें क्या मैच कर रहा है, दो मैच कर रहा है, ठीक है, और तीन मैच कर रहा है, ये तो लेने लेने, इसके अलावा भी जो मैच नहीं कर रहा वो सारे ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम दो दो के हिस्से लिख लेते हैं, इन दोनों में से दो आ गया, ये दो बच गया, ये ले लिया, ये दो ले लिया, ये भी दो ले लिया, ये तीन मैच कर रहा था ये ले लिया, ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे ये भी लेने पड़ेंगे, और सात बच गया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम सभी को, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आता है आपका 3024, ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या आपका 6, एलसीएम क्या आपका 3024, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार, फिर आगे का हम इसको जांच कर लेते हैं इसकी। तो एचसीएफ क्या है आपका 2, और एलसीएम क्या है आपका 30, 24, बाकी सबको कर देता हूँ मैं इरेज, ये मैंने इरेज कर दिया। अब क्या फॉर्मूला जांच करने का, जांच करने का फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या थी आपकी 336, दूसरी संख्या थी आपकी 54 बराबर, एचसीएफ आया आपका 2 और एलसीएम आया आपका 3024। करते हैं इनको मल्टीप्लाई, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3036 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 18144। किसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम है आपका, यहाँ पर आंसर आएगा, ये लो, ये भी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। तो प्रश्न दो हमने यहाँ पूरा कर लिया है, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न 3 कहता है आपका, देखो यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। क्या करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम आपको यहाँ पर निकालने हैं, और कौन सी विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभी जो किया था वही काम करना है, बस इसमें जांच नहीं करनी, सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के रखना है। चलो साइड में रखते हैं और करते हैं पहला इसका 12, 15 और 21, ठीक है, 12, 15 और 21, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हम पहले 12 का निकाल लेते हैं, तो 2 का जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ऐसे ही 15 का निकाल लेंगे, 3 5 15, 5 1 5, ऐसे हम 21 का निकाल लेंगे, तो 3 7 21, 7 1 7 हो गया। अब 12 के लिख लेते हैं अपन पहले, 2 गुना 2 गुना 3, 15 का भी लिख लेते हैं, 3 गुना 5, और 21 के भी लिख लेते हैं, 3 गुना 7, ठीक है। अब क्या करना है, पहले निकालना है आपको HCF, तो HCF में जो मिल रहा होता है तीनों में मिलना है यार, ठीक है। तो तीनों में क्या मिल रहा है, देखो आप तीनों में सिर्फ 3 ही मिल रहा है और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो HCF क्या हो गया इसका, 3 हो गया। अब बात करते हैं LCM की, LCM में जो मिल रहा है वो तो लेते लेते, जो नहीं मिल रहा उसको भी ले लेते हैं। तो पहले क्या नहीं मिल रहे, 2 नहीं मिल रहा वो ले लिया, ये 2 भी हमने ले लिया, 3 मिल रहा है ये ले लिया, 5 नहीं मिल रहा था वो ले लिया, 7 ही हमने ले लिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो साहब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया 420, ये आपका पहला प्रश्न हो गया, तीसरे का पहला हो गया। अब यह 17, 23 और 29 का निकालना है सेकंड वाला, ठीक है। तो पहले 17 का निकाल लेंगे,
और 17 में सी पता है आपको 17 का ये भाग जाएगा, बहुत आसानी से हो गया। 23 में सिर्फ 23 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। ऐसे ही 29 में सिर्फ 29 का ही जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं HCF निकालेंगे, पहले तो इनको लिख लेते हैं 17 के गुणनखंड क्या है, 17 ही है और 23 का 23 ही है, 29 का 29 ही है। ओहो, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। अब HCF क्या होगा, तो ध्यान से सुने इस बात को, बिल्कुल गौर लगा के सुने। यदि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में HCF होता है आपका एक। क्या होता है, HCF होता है एक। ये हम 1.1 जब सॉल्व कर रहे थे उस समय मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल बारीकी से बताया था। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM में तो मिलो ना मिलो लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो 17 गुना 23 गुना 29 ये तीनों हमने ले लिए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 800 आ रहा है 11,339, ठीक है। ये HCF और ये LCM आपका हो गया। अब तीसरा 8, 9 और 25, तो 8 का निकाल लेते हैं पहले। 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 का निकाल लेते हैं। 3 तिया 3 एकम 3, 25 का निकाल लेते हैं। 5 एकम 25 और 5 एकम 5, ठीक है। 8 के लिख लेते हैं अब, 2 गुना 2 गुना 2, 9 के लिख लेते हैं। 3 गुना 3, 25 के लिख लेते हैं। 5 गुना 5। मैं एक बात और आपको यहाँ समझा दूँ, आपको एक कैसे पता चलेगा कि हमने सही किए हैं। देखो जो आंसर आए ना उनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 बराबर 8 हो गया, 3 तिया 9, 5 25, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने पर यही आपका आंसर आना चाहिए। अब बात करते हैं HCF की। तो क्या मैच कर रहा है इसके अंदर, मैच सजी मैच मैच मैच, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करता तो HCF एक होता है। अब बात करते हैं LCM की। LCM में ले लो सारे भाई साहब, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, सारे ले ली हमने और सबको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा आपका 1800, ठीक है। ये भी आपका आसानी से हो गया। HCF एक आया, LCM आपका 1800 आया। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 और 3 प्रश्नावली 1.2 के हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।